और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका पहले मेरे लवली टेरेस गार्डन पे फिर से स्वागत है, और साथ में सावन की आने की शुभकामनाएं सभी को। आप लोग सभी लोग घर पे ही सब रहें, पर सारे हम लोग अपने घर में ही अभी हैं कोरोना बीमारी की वजह से। उस तरह एंजॉय तो नहीं कर पाए, घर पे ही एंजॉय करेंगे। आज देखो मेरा जामुन का पेड़, जामुन तोड़ा है, उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया है। देखो जामुन का ही पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, काले काले गुलाब जामुन की तरह। आज सारे मैंने जितने बारिश मौसम अच्छा था, देखो कितने बड़े बड़े हैं। और अभी भी तोड़ी है, कुछ अप्पे भी खाएंगे, अपने भी खाएंगे, पड़ोसी को भी देंगे, पर अभी जो बीमारी चला हुआ किसी को दे भी नहीं पाएंगे। जितना होगा उतना खाएंगे, नहीं तो सारे सारे लूटेंगे। काफ़ी सुबह सुबह अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा हो गया है, रात से ही बारिश हो रही थी तो काफ़ी मौसम सुहावना हो गया था। फिर दोपहर में देखो धूप निकल आएगी, काफ़ी है ये। नज़दीक से दिखा रही हूँ कितने बड़े बड़े हैं, अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं, फिर भी काफ़ी इतने हैं कि हम लोग निकाल कर खा सकते हैं। बीच में बड़े बड़े भी हैं, साइज इसका बड़ा है। नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये जामुन, काला जामुन। ये वीडियो में आज जामुन का ही ज़्यादा मैंने बनाया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए जामुन का। ये थोड़ा बहुत मैं टेरेस पे जो वेजिटेबल्स प्लांट ग्रो करी है उसका भी दिखाऊंगी। ये देखो कितने सारे जामुन निकले, काले काले गुलाब जामुन। टेरेस के भी है, ये तो जामुन ही है। लगाया वेजिटेबल्स थोड़े थोड़े, अभी छोटे छोटे हैं बच्चे की जैसा, पर अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि करेले, करेले का बेल और ये परवल का बेल है, और वो झिंगनी का सब में थोड़ा थोड़ा आने लगा है। थोड़ा फर्टिलाइजर मुझे लगता है हाँ देना पड़ेगा इसमें, जब बड़ा होगा तब पर भी मैं आपको दिखाऊँगी, पर अभी छोटे छोटे निकलना शुरू हो गया फ्लावर्स के साथ करेले। करेले और परवल दोनों आने लगा है, बस अभी यही दिखा रही हूँ मैं कि आना शुरू हो गया है, निकलना शुरू हो गया है। देखो छोटे से आपको दिख रहा होगा, जूम कर कर भी दिखाती, बड़ी जूम कर कर भी दिखा रही हूँ। ये देखो करेले काफ़ी, अभी छोटा है ना तो दिखाना मुश्किल होता है। करेले देखा छोटे छोटे,
भी आना शुरू हो गया है। चलो उम्मीद है आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा देखने के बाद। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। करेले भी ये देखो, अभी मैं वेजिटेबल का ही बना रही हूँ। ये है मूंगफली, मूंगफली का प्लांट्स है, ये भी मैंने ग्रो करा है मूंगफली का। पोटैटो में डाली हूँ, इसमें भी लिप्स निकलेगा पोटैटो। और ये देखो मूंग का है, ये मुझे जो नहीं जानता है वो देखे, मूंग का प्लांट्स सूखने के बाद ऐसा होता है और कैसा निकलता है मैं अभी दिखा दूँगी। अब देखिए उसके बाद, जो जो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते वो देख लो। मैं अभी फर्स्ट बार ग्रो करी हूँ इसीलिए बता रही हूँ आपको। ये देखो मूंग निकला। ओके फिर अच्छा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बाय।